किसान की समझदारी। एक किसान के पास एक बकरी, एक घास का गट्ठर और एक शेर था। मार्ग में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने के लिए नदी तट पर एक छोटी नौका थी। लेकिन उस नौका से एक बार में दो ही चीजें नदी पार कर सकती थी। किसान सोचने लगा कि अब क्या करूं, यदि मैं पहले शेर को ले जाता हूं तो बकरी पीछे से घास खा जाएगी, यदि घास को ले जाता हूं तो पीछे से शेर बकरी को खा जाएगा, बकरी को ले जाना ही ठीक होगा, इसे दूसरे किनारे पर छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा, लेकिन शेर को बकरी के पास छोड़ूंगा तो बकरी को शेर खा जाएगा, क्या करूं। आखिर में उसके दिमाग में एक युक्ति आ ही गई। किसान सबसे पहले बकरी को दूसरे किनारे पर छोड़ आया, फिर वापस आकर शेर को ले गया, शेर को वहां छोड़ा और बकरी को वापस ले आया, फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास का गट्ठर ले गया, घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और फिर बकरी को ले गया। इस तरह उसने बिना किसी क्षति के नदी पार कर ली और प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। इस कथा का सार यही है, समस्या कैसी भी विकट क्यों ना हो, शांति व धैर्य से विचार करने पर समाधान निकल ही आता है। किसान की समस्या वास्तव में गंभीर थी, परंतु जब उसने युक्ति से काम लिया तो वही चुटकियों में हल हो गई।